नमस्कार, मैं आदित्य अवस्थी और स्वागत है आपका एक अनोखी दास्तान एपिसोड वन में। आज जो कहानी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, यह कहानी है उड़ीसा के एक आदिवासी क्षेत्र नौपद की। नौपद असल में एक आदिवासी क्षेत्र है जो उड़ीसा में है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक पठार या प्लेट्यू मिलता है जिसका नाम है सोनाबेड़ा प्लेट्यू। सोनाबेड़ा असल में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जैव अभयारण्य भी है, परंतु यह कहानी जैव अभयारण्य से बढ़कर एक ऐसी जनजाति की है जिस जनजाति ने सरकार की मदद से कुछ ही सालों में अपने आप को गरीब दयनीय स्थिति से लखपति बनने की ओर अग्रसर किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चुकतिया बुंजिया जनजाति की। यह कोई आम जनजाति नहीं, अपितु यह जनजाति PVGT वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये PVGT आखिर है क्या। तो PVGT का अर्थ होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ऐसी जनजातियां जो मुख्यतः संकटग्रस्त जनजाति समूह के अंतर्गत आती हैं, जिनकी सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ रही है। यह जनजाति सोनाबेड़ा पठार पे या सोनाबेड़ा प्लेट्यू पे पिछले कई वर्षों से लगातार चावल की खेती करते आ रहे हैं। यह अप्रैल से लेके अक्टूबर के महीने तक लगातार चावल की खेती करते हैं, और इसी कारण से यह केवल चावल ही खाते हैं और साथ ही साथ इनका विकास भी बहुत कम हुआ है। परंतु इसी क्षेत्र में नौपद जिला प्रशासन या नौपद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार यह ख्याल आया कि समाज द्वारा जड़ता का शिकार हो चुकी या इग्नोरेंस का शिकार हो चुकी इस जनजाति के विकास के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। तो नौपद का जिला प्रशासन अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र के लिए। महाबलेश्वर महाराष्ट्र जो भारत में 80% 80% स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह नौपद का जिला प्रशासन यहाँ पहुंच के उनसे पूछता है, बातचीत करता है कि भाई साहब, हमें बताइए स्ट्रॉबेरी के लिए किस जलवायु, किस क्लाइमेट, किस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यह बात जान के बड़ी हैरानी होती है कि जो क्लाइमेट नौपद में या सोनाबेड़ा में पाया जाता है, वही एग्जैक्ट क्लाइमेट महाबलेश्वर में भी पाया जाता है। यह बात जान के नौपद का जिला प्रशासन महाबलेश्वर के लोगों से स्ट्रॉबेरी उत्पादन की सीख लेता है, और यह सीख वह जाके चुकतिया बुंजिया जनजाति को प्रदान करता है। लेकिन कोई जनजाति अचानक से चावल की खेती करते करते स्ट्रॉबेरी क्यों उगाएगी? तो सरकार को कुछ सहायता तो प्रदान करनी पड़ेगी। इस जनजाति के विकास हेतु 1980 के दशक में एक एजेंसी बनाई गई थी जिसका नाम है चुकतिया बुंजिया डेवलपमेंट एजेंसी या CBDA। इस CBDA की सहायता से लोगों में जागरूकता फैलाई गई कि आपको अब से नवंबर के महीने में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करना है। मतलब आप अपना परंपरागत चावल का उत्पादन तो जारी रखेंगे ही, साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी उत्पादन में भी अग्रसर होंगे। लेकिन इस स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए जरूरत थी जमीन और फसल की, तो यह जमीन और फसल भी प्रशासन के द्वारा प्रदान करी गई। प्रत्येक चुकतिया बुंजिया जनजाति के परिवार को लगभग 10 एकड़ भूमि प्रदान करी गई, और प्रत्येक एकड़ के लिए 2200 प्लांट्स या 2200 सैपलिंग्स या पौधे प्रत्येक एकड़ हेतु प्रदान किए गए, वो भी स्ट्रॉबेरी के। चुकतिया भुंजिया जनजाति ने इस काम को सीरियसली लेते हुए स्ट्रॉबेरी का उत्पादन नवंबर माह में शुरू किया। लेकिन बात यह आई कि यहाँ पे पानी की आपूर्ति कैसे करी जाएगी, वाटर डिमांड को कैसे पूरा किया जाएगा। स्ट्रॉबेरी को पानी लिमिटेड लगता है और इसके लिए ड्रिप इरिगेशन की आवश्यकता होती है। तो फिर से प्रशासन का एक भाग जिसे हम बागवानी विभाग कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इस काम के लिए आगे आया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मल्चिंग और साथ ही साथ ड्रिप इरिगेशन या बूंद सिंचाई तंत्र के लिए सहायता प्रदान करी। देखते ही देखते स्ट्रॉबेरी का उत्पादन बढ़ता चला गया। लेकिन स्ट्रॉबेरी बेचेंगे कहाँ, इस बात का ध्यान भी नौपत जिला प्रशासन ने बहुत बखूबी रखा था। नौपत जिला प्रशासन ने यह जानते हुए कि सोनाबेड़ा एक जैव अभयारण्य है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसे पता था कि सर्दी के मौसम में यहाँ बहुत से पर्यटक या टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाथी
वह अन्य ऐसे जानवर हैं जिसे देखने के लिए लोग आतुर रहते हैं। उन जानवरों को देखने हेतु जब लोग यहाँ पे आते हैं तो चुकतिया भुंजिया जनजाति इन्हें स्ट्रॉबेरी बेचते हैं और साथ ही साथ मुनाफा कमाते हैं। प्रशासन का यह कदम इतना लाभकारी सिद्ध हुआ कि चुकतिया भुंजिया जनजाति एक माह में स्ट्रॉबेरी को बेचकर लगभग 45,000 रुपए का मुनाफा कमाने लगा और देखते ही देखते यह जनजाति विकास की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन यह जनजाति जब विकास की ओर आगे बढ़ रहा था तो इनकी सहायता एक चीज और कर रही थी और वह थे सह सहायक समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यहाँ की विभिन्न महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया और अनेक रूप से लोगों को कर्ज प्रोवाइड कराया। जब यह लोन या कर्ज सेल्फ हेल्प ग्रुप ने प्रोवाइड कराया तो इसकी कम दर होने के कारण चुकतिया भुंजिया जनजाति पर बोझ भी नहीं आया और साथ ही साथ यह विकास कार्यक्रम आगे बढ़ता चला गया। यह कार्यक्रम लगभग विगत 20 वर्षों से या लगभग 10 वर्षों से चल रहा है और इस कार्यक्रम के साथ चुकतिया भुंजिया जनजाति जो PVGT कैटेगरी की जनजाति है वह लगातार विकास के रथ पर आगे बढ़ रही है। अतः इस कहानी से हम यह सीख ले सकते हैं कि यदि प्रशासन इनोवेटिव और नवीन तरीकों से ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए आगे आता है और यदि लोग इस सहायता को स्वीकार कर जागरूकता को स्वीकार कर जागरूक होते हैं और उन चीजों को मानकर कुछ नए कदम बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली विकास के रथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।